मध्य प्रदेश की सड़कों पर ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं। उनका गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। सड़कों पर दिख रहा ये गुस्सा है 2023 मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में। ये नजारा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून को पास कर दिया है। 2023 मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक इस नए कानून के जरिए पड़ सकता है। इस कानून को वाहन चालक काला कानून बता रहे हैं और संशोधन की मांग कर रहे हैं। ये सब लोग लगा रहे हैं, बढ़िया लगा रहे हैं भैया। कौन 10 साल की सजा भुगतेगा, कौन 10 लाख रुपए देगा जुर्माना? 10 लाख होते तो जहां देगा मरेगा। ऐसी रात और दिन जहाँ मरेगा ड्राइवर। जाम कौन लगवा? सरकार लगवा रही है भैया ये जाम। यूपी अलीगढ़ से हूं सर, क्या करेगा ड्राइवर? अगर इतना पैसे वाला होता तो अपने घर बना होता। और ये नियम सबके लिए लागू किया, बाइक वाले के लिए भी लागू है। मैं तो बस सरकार से इतना कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जी गडकरी जी, एक बार ट्रक में बैठ के कुछ ना कहें, एक बार बैठ जाएं बस। ड्राइवर गाड़ी चलाएगा फिर देखें गलती किसकी है, मरने वाले की गलती है या मारने वाले की गलती है। ये चीज देखना एक बार, मानो नियम तो लागू कर दिया उन्होंने, कानून लगा दिया, तो एक बार सोचना तो चाहिए। 22 करोड़ ड्राइवर हैं हिंदुस्तान के अंदर, 22 करोड़ 64 लाख 817 ड्राइवर हैं वर्तमान में। मैं तो बता रहा हूँ ना, तो उनके पीछे उनकी फैमिली परिवार भी है। वहीं बस टैक्सी चालकों की हड़ताल के चलते जहां एक तरफ लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल पर चले जाने की वजह से पेट्रोल डीजल की किल्लत प्रदेश भर में होने लगी है। पेट्रोल पंप संचालकों का मानना है कि यदि हड़ताल ने और जोर पकड़ा तो आने वाले दिनों में कई और पेट्रोल पंप ड्राई हो सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस नए हिट एंड रन कानून में अब बस और ट्रक संचालक संशोधन की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।